पांच राज्यों की विधानसभा की चूंटणी तेना अंतिम तबक्का में है। तेलंगाना की 119 विधानसभा बैठक माटे 30 नवम्बर रोज मतदान हाथ धरवामां आव्युं छे। प्रदेश कुल 35,655 मतदान मथकों पर मतदान कर राज्य में कुल 3,26,00,000 मतदारों नोंधायेला है। 119 विधानसभा बैठक माटे कुल 2,929 उम्मीदवारों नामांकन फॉर्म भर्यु हतु। 160 ना बैठकों पर सवार 7 कलाक थी सांजना 5 कलाक सुधी और 13 बैठकों पर सवारे 7 थी सांजना 4 वाग्या सुधी मतदान करवामां आवशे। 6 महीना पहला पाकिस्तान गयेली अंजू हवे भारत परत फरी छे। जो कि हजू सुधी एवी कोई माहिती मळी नथी कि अंजू कायम माटे भारत आवी छे कि पाकिस्तान परत जशे। थोड़ा दिवस पहला पाकिस्तानी मीडिया साथे वात करता नसरुल्लाह कह्युं हतुं कि अंजू भारत परत जाय छे अने तेने ड्रॉप करवा माटे पोते वाघा बोर्डर जशे। तो राजस्थान अरवल थी भागी पाकिस्तान में पोताना प्रेमी नसरुल्लाह साथे निकाह करी फातिमा बनेली अंजू वाघा बोर्डर थईने भारत पहुंची हती। अंजू ज्यारे भारत पहुंची त्यारे तेना परिवार में न कोई खुशीनो माहोल हतो अने न कोई मीडिया साथे वात करवा माटे तैयार हतो। अमेरिका में खालिस्तानी आतंकवादी गुरुवंश सिंह पन्नू की हत्या प्रयास केस में गुरुवार न्यूयॉर्क पुलिस चार्जशीट बहार आई है जेमा भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता पर पन्नू की हत्या प्रयास करने आरोप है। न्यूयॉर्क पुलिस अधिकारी रजू करेली चार्जशीट मुजब आरोपी ने भारत सरकार एक अधिकारी आम करने कहूत। जो कि चार्जशीट में भारतीय अधिकारी नाम खुलासो कर सीसीवन तरीके संबोधवामां आव्युं छे। चार्जशीट मुजब सीसीवन भारत सरकार की एक एजेंसी कर्मचारी है जेणे पोताने अनेक प्रसंगों वरिष्ठ फील्ड ऑफिसर तरीके गणाव्यो छे। अमेरिका में खालिस्तानी आतंकवादी गुरुवंश सिंह पन्नू की हत्या प्रयास केस की तपास भारत अमेरिका सरकार ने संपूर्ण सहयोग करे। अमेरिकाए केनेडा की मांग ने अवगणी ने तेनी तपास में सहकार आपवानो विचार केनेडा ने पसंद नहीं कारण कि केनेडाए पण भारत पर एक आरोप लगाव्यो छे जे भारते फगावी लीधो छे। जस्टिस ट्रूडोए कह्युं छे कि अमेरिकाए भारत सरकार एक अधिकारी अमेरिका की धरती पर खालिस्तानी आतंकवादी ने मारवानु असफल कावतरू घड़ी होवानो आरोप लगाव्यो छे अने केनेडाए पण आवो ज आरोप लगाव्यो हतो जेने भारत गंभीरताथी लेवानी जरूर छे। जो कि केनेडाए आ लागेला आरोपो भारतीय एजेंटनी संडोवणी अविश्वसनीय पुरावा छे जेथी भारते ते आरोपोने नकारी काढ्या हता। लखनऊ में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जणाव्युं हतुं के आत्मनिर्भर भारत की नागरिक तरीके ना कर्तव्य सुधी गुलाम मानसिकता ने समाप्त करवानी छे। देश ना लोकोए पोताना वारसा उपर गर्व करवानी जरूर छे। समाज में धर्म जाति अने अन्य बाबतोना आधार उपर जे विभाजन करवामां आव्युं छे तेनाथी लोकोने बहार आववानी जरूर छे कारण के आ मुद्दाओ विकासना कार्यमां अवरोध समान छे। जे लोको विकास इच्छता नथी तेओ जातिवाद धर्मना नामे समाजमां विभाजन ऊभुं करवानो प्रयास करे छे। तेओ देशने विकासना एजेंडाथी भटकाववा मांगे छे। एनो अर्थ ए गरीबना चेहरा उपर खुशीने हटाववा समान छे। उद्धव ठाकरे समूहनी शिवसेना नेता संजय राउते जणाव्युं हतुं के प्रदेश में अनेक जग्याओ पर छेल्ला 5 दिवस कमोसमी वरसाद अने करा पड्या छे अने स्थिति गंभीर छे त्यारे राज्यना मुख्य सुल्तान अने नायब सुल्तान एटले के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस प्रचार में व्यस्त छे। कोई छत्तीसगढ़ तो कोई तेलंगाणा प्रवासी छे जाणे तेओ नहीं जोयुं होय के आ राज्य में चूंटणी नहीं थाय। संजय राउते कह्युं हतुं के विदर्भ नासिक थी लईने उत्तर महाराष्ट्र कोकण अने थाणे सुधीना विस्तार में भारे नुकसान थयुं। अमारा 11 करोड़ खेडूतो मुश्केलीमां मुकाया छे ने अमने चिंता नथी। विधानसभामां आ मुद्दो प्रश्न उठाववामां आवशे। बंगाळनी खाड़ीमां सर्जायेला वरसादी सिस्टमना पगले तमिलनाडु सहित प्रदेशना अनेक शहेरोमां वरसाद वरस्यो हतो। आ स्थितिना कारणे चेन्नईना 30 नवेम्बर सुधी तमाम शाळा कॉलेज बंद राखवानो आदेश करवामां आव्यो हतो। हवामान विभागे 2 અને 3 ડિસેમ્બરના रोज चेन्नई अने तेना आसपासना क्षेत्रोमां वरसादनी संभावनाना पगले ओरेन्ज एलर्ट जाहेर कर्यो हतो। भारे वरसादना पगले चेन्नई शहेरमां ट्राफिक जामनी समस्या सर्जाई हती। एटलुं ज नहीं वरसादना पगले अंबतूर अने अवड़ी रेलवे स्टेशनो वच्चे पाणी भराई गया हता जेना कारणे लोकल ट्रेन 20-30 मिनिट मोड़ी चाली रही छे। उत्तर प्रदेश उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जणाव्युं हतुं के भाजप जाति आधारित वस्ती गणतरी विरुद्ध नथी। सपा बसपा कांग्रेस अने अन्य राजकीय पक्षों जे जातिनी वस्ती गणतरीनी वात करे छे तेमणे सत्ता में रहीने क्यारे पछात वर्गना लोको माटे कोई खास काम कर्युं नथी। तेमणे पछात वर्गना लोकोने क्यारे तेमना अधिकार अपाया नथी।
भाजपे हमेशा दरेकने साथ आप्यो छे अने सबका साथ सबका विकासनो कार्य कर्यो छे। भाजपे अनेक लोको अने विधानसभानी चूंटणीमां जीत मेळवी छे। अमे वर्ष 2024नी लोकसभा चूंटणीमां पण तमाम 80 बेठको जीतीशुं। अयोध्यामां भव्य राम मंदिरनुं काम टूंक समयमां पूर्ण थई जशे। 22 जान्युआरीए मंदिरमां रामलल्लानो अभिषेक करवामां आवशे अने बीजा दिवसे एटले के 23मी जान्युआरीथी भक्तो भगवानना दर्शन करी शकशे। प्राण प्रतिष्ठाना भव्य कार्यक्रमने ध्यानमां राखीने भारतीय रेलवे पण तेना स्तरे तैयारी करी दीधी छे। मंदिरना उद्घाटन दरमियान भारे भीड़ने जोता रेलवे अयोध्या माटे मेट्रो पाया अने स्पेशल ट्रेन चलावानी पण योजना बनावी रही छे। एवुं मानवामां आवी रह्युं छे के रेलवे एक अठवाडिया माटे अयोध्या माटे 100थी वधु विशेष ट्रेनो दोड़ावी शके छे। देशना तमाम जोनने जरूरियात मुजब एलर्ट रहेवा माटे पण कहेवामां आव्युं छे। सुप्रीम कोर्टे कह्युं छे के कोईपण प्रकारना नफरत भर्या निवेदनों सामे कार्यवाही जरूर थवी जोईए। कोर्टनी आ टिप्पणी त्यारे आवी छे ज्यारे हेट स्पीचना मुद्दा उपर लोको अने संगठनो तरफथी दाखल करायेली अरजी उपर सुनावणी चाली रही हती। सुप्रीम कोर्टे फेब्रुआरीमां केटलीक अरजीओ पर सुनावणी करवा उपर सहमत थई हती, जेमां नफरत फैलावनार विरोधमां नियंत्रण लागवा माटे एक तंत्रनी रचना करवानी मांग कराई छे। जस्टिस संजीव खन्नानी अध्यक्षतावाळी बेंचे कह्युं हतुं के अमे नफरत फैलावनार निवेदनोने समस्याने देशभरमां देखरेख न करी शकीए। भारत जेवा मोटा देशोमां समस्या हशे, परंतु सवाल ए पूछवामां आवी रह्यो छे के शुं आपणी पासे तेने लड़वा माटे कोई ज वहीवटी तंत्र छे। मणिपुरमां मे महिनामां जातीय हिंसा भड़का बाद घणा लोको मोत निपजा हता। हिंसामां मृत्यु पामेला 179 मृतदेहोमांथी 81 उपर परिवारजनोए दावो कर्यो छे, ज्यारे 88ની ઓળખ હજુ પણ બાકી છે। ત્યારે મણિપુરના શબ્દગોળમાં પડી રહેલા મૃતદેહો અંગે કોર્ટે આ મૃતદેહોને દફનાવવા અથવા અગ્નિસંસ્કાર કરવા સુનિશ્ચિત કરવા આદેશ જાહેર કર્યો છે। જો કે સુનાવણી દરમિયાન ખંડપીઠે આદેશ આપ્યો છે કે પરિવારજનો મૃતદેહને 9 સ્થળોએ કોઈપણ એક સ્થળે અવરોધ વિના અંતિમ સંસ્કાર કરી શકે છે, તેમજ આ પ્રક્રિયા 4 ડિસેમ્બર પહેલા પૂર્ણ થવી જોઈએ। કોર્ટે આદેશમાં જણાવ્યું છે કે જે મૃતદેહોની ઓળખ કરવામાં આવી છે પરંતુ જેના ઉપર દાવો કરાયો નથી તે બાબતે રાજ્ય વહીવટીતંત્ર સોમવાર અથવા તો તે પહેલા પરિવારજનોને સૂચિત કરી જરૂરી ધાર્મિક વિધિ સાથે અંતિમ સંસ્કાર કરવાની મંજૂરી આપે। मणिपुर हिंसा बाद प्रदेश में शांति स्थापित करने माटे राज्य अने केंद्र सरकार घणा प्रयासों करी रही है। 29 नवम्बरे आ बाबते एक मोटी सफलता प्राप्त थी है। मणिपुर सौथी जूना बळवाखोर जूथे कायमी शांति करार माटे मंजूरी आपी दीधी है। केन्द्र सरकार आ जूथ साथ घणा दिवसों की बातचीत कर रही है। युनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंटे कायमी शांति करार पर हस्ताक्षर कर। केन्द्रीय गृहप्रधान अमित शाह सोशियल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर आ माहिती आपी थी। કોલકાતામાં જાહેર સભાને સંબોધતા કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જી સરકાર ઉપર આકરા પ્રહાર કર્યા હતા। તેમણે કહ્યું છે કે મમતા બેનર્જીનો સમય સમાપ્ત થઈ ચૂક્યો છે। વર્ષ 2026ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં પશ્ચિમ બંગાળમાં ભાજપ સત્તામાં આવશે અને મમતા માં માટી અને મનુષ્યના નારાઓ સાથે ડાબેરીઓને હરાવીને સત્તામાં આવ્યા હતા, પરંતુ બંગાળમાં કોઈ પરિવર્તન આવ્યું નથી। બંગાળમાં ઘૂસણખોરી, તૃષ્ટિકરણ, રાજકીય હિંસા અને ભ્રષ્ટાચાર વ્યાપક છે। સામ્યવાદીઓ મમતા બેનર્જીને મળીને બંગાળની બરબાદ કરી દીધું છે। ગૃહમંત્રી અમિત શાહે આજે બંગાળમાં કહ્યું કે રાજ્યમાં 2026ની ચૂંટણીમાં ભાજપ 2/3 બહુમતી સાથે બંગાળમાં સરકાર બનાવવા જઈ રહી છે, પરંતુ તે પહેલા તમારે બધાએ સુનિશ્ચિત કરવું પડશે કે 2024ની લોકસભા ચૂંટણીમાં ભાજપ શાનદાર જીત હાંસલ કરે। હું તેમને બધાને દિલથી વિનંતી કરું છું કે પીએમ મોદી ફરીથી વડાપ્રધાન બનાવો અને એટલા માટે બધા વોટ આપો કે શપથ ગ્રહણ સમારોહ પછી તેમનું કહેવું પડે કે બંગાળના કારણે વડાપ્રધાન બન્યો છું। કોર્ટ પાસેથી મંજૂરી મેળવ્યા બાદ કોલકાતામાં ભાજપે રેલી અને જાહેરસભા યોજી હતી। કેન્દ્રીય મંત્રી અમિત શાહ સહિત ભાજપના નેતા અને કાર્યકર્તાઓ પણ આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। પશ્ચિમ બંગાળ ભાજપના નેતા જાહેરસભામાં સ્થાનિક લોકોના મુદ્દા ઉઠાવશે અને આ સાથે જ મોટી સંખ્યામાં લોકો પણ ભાજપની જાહેરસભામાં હાજર રહ્યા હતા। આ કાર્યક્રમના વિરોધના ભાગરૂપે પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીએ કાળા કપડાં પહેર્યા હતા અને ભાજપના સાંસદ લોકેટ ચેટર્જીએ જણાવ્યું હતું કે પશ્ચિમ બંગાળ કોઈની મિલકત નથી, આ રાજ્ય દરેકનું છે। લોકોમાં અનેરો ઉત્સાહ પણ જોવા મળી રહ્યો છે અને તેમના માટે રાજ્યમાં સત્તારૂઢ પક્ષ ટીએમસીમાં ડરનો માહોલ છવાઈ ગયો છે।
आगामी लोकसभा की चूंटनी पहला वडाप्रधान मोदीए पांच राज्यों की विधानसभा की चूंटनी में कुल 40 जाहिर सभा संबोधित करी हती। ने आ साथे ज केटलाक रोड शो पण कर्या हता। पीएम मोदीए मध्यप्रदेश में सौथी वधु 14 जाहिर सभा संबोधन कर्यु हतु, ज्यारे मिजोरम में तेओ कोईपण चूंटनी लक्षी कार्यक्रम में सामिल थया नहोता। गत महीने 9 ऑक्टोबर रोज पांच राज्यों की विधानसभा की चूंटनी ने तारीख जाहिर करी हती। मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम में मतदान समाप्त थई चुक्यु छे, ज्यारे तेलंगाणा में 30 नवम्बरे मतदान थवानुं। पीएम मोदी नेतृत्व में केन्द्रीय केबिनेट की बैठक योजाई थी। केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर केबिनेट निर्णयों अंगे जानकारी आपता कहूं कि केन्द्रीय मंत्रिमंडले महिला स्वयं सहायता समूहों ने ड्रोन उपलब्ध करावा माटे योजना ने मंजूरी आपी दीधी छे। आ साथ ज वर्ष 2023-24 और 25-26 खेती की उपयोगिता 15,000 पसंदगी माहिती ड्रोन आप। गत 5 वर्ष में आश्रे 13 करोड़ लोग गरीबी रेखा की बहार आया। वडाप्रधान मोदी की अध्यक्षता में मड़ेली केन्द्रीय कैबिनेट की बैठक में गरीब कल्याण अन्न योजना अंगे मोटो निर्णय लेवामां आव्यो छे। सरकारे आ योजना ने 5 वर्ष माटे लंबावानो निर्णय कर्यो छे। केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर केन्द्रीय कैबिनेट की बैठक बाद आ माहिती आपी हती। तेमणे माहिती आपी हती कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना 1 जानुआरी 2024 थी 5 वर्ष माटे लंबावामां आवी छे। तेनाथी 81 करोड़ लोगोने फायदो थशे। अनुराग ठाकुर कह्युं छे कि सरकारी योजनाओं लाभ सामान्य लोगों सुधी पहोंची रह्यो छे। केन्द्रीय माहिती अने प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जणाव्युं हतुं कि सरकारे 16 नारा पंच माटे जरूरी शर्तों ने मंजूरी आपी दीधी छे अने आ कमिशन केन्द्र अने राज्य वच्चे करनी आवकना वितरण अंगे निर्णय लेवा मुद्दे संबंधित छे। केन्द्रनी केबिनेटनी बैठक में आ निर्णय लेवामां आव्यो छे। 16 नाणा पंच ऑक्टोबर 2025 सुधी में तेओना अहेवाल सुपरत करशे। तेनी भलामणो एप्रिल 2026 थी 5 वर्ष माटे मान्य रहेशे। बंधारणना अनुच्छेद 280 मुजब स्थापित नाणा पंचनी मुख्य जवाबदारी केन्द्र अने राज्य सरकारनी नाणाकीय स्थितिनुं मूल्यांकन करवानी छे। राजकोट भाजपमां आंतरिक जूथवाद फरी सपाटी उपर आव्यो छे। राजकोटना वोर्ड नंबर 3 भारत संकल्प यात्रा दरमियान सांसद राम मोकारिया अने स्टेन्डिंग कमिटीना चेरमेन जयमीन ठाकर आमने सामने आवी गया हता। राम मोकारियाए मनपामां चालता कौभांड अंगे बिंदास बोल्या हता, जे अंगे चेरमेन तेमने कह्युं हतुं कि खोटी वात न करो अने पुरावा आपो, जेथी बंने वच्चे मतभेद सर्जायो हतो। મોરબીના ઝુલતા પુલ દુર્ઘટનામાં સુપ્રીમ કોર્ટે એક ચુકાદો આપ્યો છે। સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા ઓરેવા કંપનીના સંચાલક જયસુખ પટેલને છટકો આપવામાં આવ્યો છે। તેમને રાહત આપવા ઉપર કોર્ટે નામંજૂરી વ્યક્ત કરી છે। તે ઉપરાંત જયસુખ પટેલને હંગામી કે નિયમિત જામીન અરજી સુનાવણીનો હાઈકોર્ટ દ્વારા જાહેર કરાશે, તેથી અત્યાચારના સંજોગોમાં સુપ્રીમ કોર્ટે આ કેસમાં દખલગીરી ન કરવા ઉપર ઇન્કાર કર્યો હતો, ત્યારે હવે 12 ડિસેમ્બરના રોજ જામીન માટે આગામી સુનાવણી થશે। ખેડાના બિલોદરા ગામમાં શંકાસ્પદ પાણી પીધા બાદ 5 લોકોના મોત થયા નવો વળાંક આવ્યો છે। શંકાસ્પદ મોતના તાર હવે અમદાવાદ સુધી આવી પહોંચ્યા છે। અમદાવાદના દાણી લીમડામાં આવેલી ધ્રુવનગર સોસાયટીમાં કફ સિરપ બનાવવાનું કૌભાંડ ચાલી રહ્યું હતું। મુઝાહિદીન ઉર્ફે મોઇન પઠાણ નામનો યુવક નશાયુક્ત પદાર્થ મેળવીને કફ સિરપ બનાવતો હતો। આ અંગે પોલીસે 3 આરોપીને ઝડપી પાડ્યા છે, જેમાંના એક આરોપી આ શિફ્ટને સપ્લાય કરતો હતો અને આરોપીની ધરપકડ કરી છે અને કફ સિરપ બનાવવાનો મુદ્દા માલ પણ ઝડપી પાડવામાં આવ્યો છે। ખેડા કફ સિરપ કાંડ મુદ્દે ડીજીપી વિકાસ સહાયનું નિવેદન આપીને અમદાવાદ ગ્રામ્ય સહિત સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલે તપાસ કરતી હોવાની માહિતી આપી છે। જોકે પ્રાથમિક માહિતીના આધારે કિશોર નામના વ્યક્તિએ 50 લોકોને આયુર્વેદિક સિરપ આપી હતી, જેમાં 3 લોકોના મોત થયા હતા, જેથી તે વ્યક્તિની હાલ પૂછપરછ ચાલી રહી છે। ડીજીપી વિકાસ સહાયે કહ્યું છે કે આયુર્વેદિક સિરપમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ હશે તો મેન્યુફેક્ચરિંગ પણ કોઈ પ્રોબ્લેમ હશે તો તે અંગે હાલ તપાસ ચાલુ છે।
खेड़ा जिला शंकास्पद कफ सीरप पीणू पीवाथी पांच माथी चार व्यक्तिओना मौत थया हता। आ बाबते सिविल होस्पिटल में एक शंकास्पद व्यक्ति अमदावाद सिविल होस्पिटल खाते गई काले मोड़ी रात्र दाखल थयो हतो। चूंकि आ अंगे सिविलना सुप्रिंटेन्डंट कहूं हतु कि आ व्यक्ति कोण छे अने क्यांथी आव्यो छे तेनी कोई ज माहिती मळी नथी, तेथी के दाखल थयेली व्यक्ति हाल वेंटिलेटर पर छे। राज्य में अखिल गुजरात आंगणवाड़ी कर्मचारी संघ ने 5000 करता वधु आंगणवाड़ी बहनों सरकार सामे विरोध प्रदर्शन जाहिर कर्यु छे। आ विरोध नो मुख्य कारण आंगणवाड़ी बहनों ने मतदान वेतन दूर करीने कायमी वेतन चूकवामां आवे तेवी मांग छे। त्यारे छेल्ला 35 वर्षथी गांधीनगरना पोनासरामां बहनों द्वारा धरना मंडपमां आव्या हता। अमदावाद शहर महानगरपालिका द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा नो आयोजन करवामां आव्युं छे। आ योजना शहर नवा वडाला में आयोजित करवामां आवी हती। नवा वाडज खाते थी आ योजना ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वीडियो कॉन्फरेंस माध्यम थी जोया हता, परंतु आ कार्यक्रम में शहर मात्र बे धारासभ्य नारायणपुरा और साबरमती विस्तार उपस्थित रहा हता। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल वड़पण हेठना उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडले जापान कोबा में निशिक कोर्पोरेशन प्रतिनिधिओ साथ बैठक योजी थी। जे बैठक में कंपनी नवी इंडस्ट्रीज उत्पादनों एनर्जी स्ट्रोक संदर्भे भारतों में तेमनी कामगीरी अंगे चर्चा विचारणा करवामां आवी हती। एवी हब तरीके उभरी रहेला गुजरात विषय की चर्चा कर गुजरात में तेनी संभावनाओं ने चकासवानो अनुरोध कर्यो हतो। सूरतना सचिन जीआईडीसी में आग लागवानी घटना में महत्वना समाचार सामे आव्या छे। अकस्मातनी घटना में बुधवारे 20 वधु कामदार इजाग्रस्त थया हता अने प्लॉटनी तपास दरमियान 7 लोग लापता होवानुं सामे आवता तंत्रे सर्च ऑपरेशन हाथ धर्यु हतु, जेमां 6 लोगोना मृतदेह मळी आवता खळभळाट मच्यो हतो। गुम थयेला 7 पैकी 6 कामदारोना मानव कंकाल मळी आवता तमामने पीएम अर्थे सूरत नवी सिविल होस्पिटल खसेड़ाया छे। सूरत में थे अग्निकांड बाद सूरत फायर विभाग घोर निंद्रा में जाग्यू छे। सूरत फायर विभाग द्वारा सेफ्टी ने लईने कामगीरी शुरू करवामां आवी छे। सूरत रिंग रोड पर आवेला अभिषेक मार्केट फायर सेफ्टी ना साधनों न होवाना पगले सील करवामां आवी छे। मार्केट में 1500 जेटला कपड़ानी कंपनीओ आवेली छे अने फायर फेक्टरी ने लईने आ मार्केट में भूतकाळ में पण नोटिस फटकारवामां आवी हती। जूनागढ़ शहर में दीपड़ा ना आतंक थी स्थानिक लोगों में फफड़ाट व्यापी गयो छे। दलोतो परामा बाड़क पर हमलो कर्या बाद यमुना नगर अने आरटीओ पासे गत रात्रे दीपड़ो देखाता स्थानिकोना जीव ताड़वे चूट्या हता। आंगे जाण थता वन विभाग नो स्टाफ तफासरथे आव्यो हतो। ते दरमियान दीपड़ो केम्ब्रिज स्कूल पासे थी आरटीओ पासे पहोंच्यो हतो अने जूनागढ़ शहर में मानव वस्ती नी आसपास आवी चढ़ेला दीपड़ा ने पकड़वा माटे वन तंत्रे पांजरा मूक्या छे, परंतु दीपड़ो पांजरा में न आवतो होवाथी स्थानिकोमां डरनो माहोल छे। We'll be right back.